तो दोस्तों अभी आपके सामने जेमी 2024 का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है, उसको आपने CH3 डबल बॉन्ड CL से ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और आपको बताना है कि इससे क्या बनेगा। तो आप इसके ऑप्शन देख के ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये CH3 डबल बॉन्ड CL, ये दोस्तों एक आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्यों बोलते हैं असाइलेशन, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका ग्रुप होता है इसको हम दोस्तों असाइल ग्रुप बोलते हैं, और यही आके लगेगा, हम अभी देखेंगे। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ बेंजीन की, और हमको कहाँ लगाना है वो हमको क्लोरोबेंजीन से पता चल जाएगा बाद में। हम अभी सिर्फ बेंजीन की बात करते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। वैसे तो हमें पता है कि ये CH3 डबल बॉन्ड O प्लस आएगा, CO प्लस आएगा, और उसको आप लगा देंगे ऑर्थो पैरा पे, पैरा वाला मेजर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा, वही आपका आंसर भी हो जाएगा। लेकिन हम मैकेनिज्म को देखते हैं सबसे पहले। तो मैकेनिज्म दोस्तों इसका ऐसे होता है, आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं, CH3 डबल बॉन्ड CL, और क्या है आपके पास AlCl3। एनहाइड्रस है तो यहाँ पर अभी पानी नहीं है, एनहाइड्रस है आपका, डाइल्यूट नहीं है, तो AlCl3 है। अब दोस्तों AlCl3 है, आप जानते हैं इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये चाहता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करे। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है, ये डबल बॉन्ड तो नहीं है, कार्बन भी नहीं है, और ये Cl है, क्योंकि Cl के पास आप जानते हैं 3 लोन पेयर होते हैं। तो अब ये बोलेगा कि Cl इसको अपना लोन पेयर दे दे, तो ये बहुत आसानी से अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो ये जो है यहाँ पर अपना लोन पेयर दे देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो ये तो खुश हो गया ये Al, क्योंकि ये इसका एक बॉन्ड बन चुका है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, क्योंकि आप जानते हैं हैलोजन्स जो होते हैं क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इनके इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखना नहीं चाहते हैं। तो ये दोस्तों कहेंगे कार्बन से कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दे, ताकि ये फिर से Cl- बन जाए। तो यहाँ पे जो ये जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन, पूरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और ये बन जाएगा AlCl4-। आपको यहाँ से देख रहा होगा ये क्या बन गया, AlCl4-। AlCl4- बाद में दोस्तों आपका चला भी जाएगा रिएक्शन से, फिर से AlCl3 बन जाएगा, क्योंकि AlCl3 इस चीज का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक कैटलिस्ट है। तो अब यहाँ पर कार्बन से पॉजिटिव चार्ज चला गया, कार्बन से आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये दोस्तों आपका अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास है बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन, और अब ये बन चुका है एक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का लवर, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कोशिश करेगा कि अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करें, क्योंकि चार्ज जो है किसी भी स्पीसीज को अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर है बेंजीन। अब दोस्तों हमारे पास बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का लवर। तो इलेक्ट्रॉन को ये दोस्तों देखेगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहाँ पर बेंजीन की रिंग है और इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपके थोड़े बहुत घूमते रहते हैं पूरे दिन में, तो ये आसानी से उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सकता है। बेंजीन रिंग भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आपका दोस्तों आपका सपोर्ट करती है, बेंजीन रिंग भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करती है। उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, उसके ऊपर जो लगा हो वो भी आपके डिसाइड करता है कि होगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर Cl लगा है, तो Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो नहीं होने देगा इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन हमको करवाना है, क्योंकि क्या है ये एसाइलेशन है, ये हमने करवाया हुआ है, तो हम यहाँ पर करवाएंगे। तो बेंजीन जो है यहाँ पर दोस्तों अपनी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक जगह शिफ्ट कर लेगी, और यहाँ पर एक जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहीं पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड CH3+ जो है, ये जो आपका आयन जो है, ये आपको जो कुछ दोस्तों जाके ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों बेंजीन अच्छी खासी एरोमेटिक थी, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, लेकिन अब ये दोस्तों एरोमेटिक नहीं बची है, तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर दोस्तों एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ पर आपके अभी एक तो हाइड्रोजन अभी रहे, एक हाइड्रोजन इधर पे रहेगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएगा H प्लस की फॉर्म में, और बाहर इसको Cl माइनस भी मिल जाएगा, तो H प्लस की फॉर्म में ये दोस्तों आपका आ जाएगा, H प्लस की फॉर्म में ये आपका आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ये देकर चले जाएगा, सॉरी क्योंकि ये H प्लस की फॉर्म में आएगा, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन तो उसने शेयर किया था, वो अपना इलेक्ट्रॉन ये देके चले जाएगा, तो इसके पास अब दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो एक से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और एक जो है वो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, तो यहाँ से ये आपका बन गया, इसको हम बोलते हैं बेंजो फिनोन, क्योंकि ये क्या बन गया, एक कीटोन बन गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक तो दोस्तों क्लोरीन की रिंग भी थी, एक क्लोरीन की रिंग भी थी, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री तो है ही हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री तो है ही, लेकिन हमारे पास एक क्लोरीन की रिंग भी थी, और क्लोरीन दोस्तों आपको ध्यान रखना है हैलोजन्स की, जितने की मैं बात करूं हैलोजन्स दोस्तों क्या होते हैं आपके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये दोस्तों बहुत स्पेशल केस होता है, क्योंकि आप जनरली आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जैसे कि अगर मैं NO2 लगाऊं तो NO2 अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि वो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा होता है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो अगर NO2 यहाँ पर लगा हो तो वो मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको प्रेफर करता है आने के लिए, उसको वहां पर प्रमोट करता है, लेकिन आपके जो हैलोजेंस होते हैं वो ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होते हैं, क्योंकि हैलोजन आपको ध्यान रखना है कि वो माइनस आई उनका इतना ज्यादा होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट उनका इतना ज्यादा होता है कि उनके जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है प्लस एम जो इफेक्ट है उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस आई आपका डोमिनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं रिंग से, लेकिन तब भी जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोनाउंस होता है, ज्यादा दोस्तों आपको वो एविडेंट दिखता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, वो ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग होते हैं जबकि ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन के रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए आपका नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का, वो है आपके हैलोजेंस। तो ये है आपका लॉजिक कि हमको ऑर्थो पैरा पे लगाना है, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये या तो ऑर्थो पे लगाएगा या फिर पैरा पे लगाएगा, पैरा वाला प्रोडक्ट दोस्तों आपका मेजर होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट जो है आपका मेजर होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर आपका इसीलिए होता है क्योंकि अगर मैं Cl और C डबल बॉन्ड और CH3 को एक ही साथ में लगा दूंगा तो ये जो आपके बड़े बड़े ग्रुप जो है इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, तो ये जो कंपाउंड है थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये दूर दूर है तो ये अच्छा खासा स्टेबल आपका ये कंपाउंड हो जाएगा, तो इसीलिए पैरा जो है इसका मेजर बनता है, और यहाँ पर आपको बनता है इसको आप लिख सकते हैं कि क्लोरीन के साथ आपका पैरा बेंजो फिनोन आपका बना हुआ है, तो ये है दोस्तों आपका, या फिर पैरा क्लोरो बेंजो फिनोन भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये था फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जो भी आपका पैरा वाला होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप करने।